देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। सिद्धार्थ नगर जिले में कल सीएम योगी आदित्यनाथ के संभावित दौरे को लेकर मुख्यालय के जेल मैदान पर प्रशासन की तरफ से जनसभा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस अंतिम रूप को सजाने संवारने में जिला प्रशासन ने सभी हदें और कानून को दरकिनार कर दिया है। यहां पर नाबालिग बच्चों से काम कराकर खुद जिला प्रशासन कानून की धज्जियां उड़ाता दिख रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से कम उम्र के बच्चों से काम लिया जा रहा है, जबकि कल स्कूल चलो अभियान को सीएम योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाएंगे। इस बाबत कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। मैं चौथी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री आ रहे हैं और हर बार इस जनपद को कुछ न कुछ विकास के लिए देके जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद इस सिद्धार्थनगर जनपद को मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति मिली है और निश्चित तौर से जब 2 अप्रैल को आएंगे तो केवल स्कूल चलो अभियान तो जो होगा, जिसमें हर घर की बेटियां, हर घर के बच्चे स्कूल चलें, उसके साथ साथ इस ज़िले को जो 4,68,000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है, उस इन्वेस्टर समिट में आने वाले दिनों में निश्चित तौर से इस ज़िले को उद्योग मिले, एक चीनी मिल मिले और क्लस्टर इंडस्ट्रीज की मिले, जिससे यहाँ के नौजवानों को यही रोज़गार मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 2 अप्रैल को पूर्वाह्न में जनपद सिद्धार्थनगर में है। मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना शेष है। उनके सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बाहर से और अंदर से जोन स्तर से और एडीजी लैंड ऑर्डर की तरफ से पीएसी एडिशनल एसपी 6, डिप्टी एसपी 12, पुलिस बल 3 कंपनी पीएसी उपलब्ध हैं। सारी व्यवस्थाएँ मुकम्मल की जा रही हैं। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से धर्मवीर गुप्ता की रिपोर्ट। देख रहे हैं प्राइम स्टोरी।